नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपना जो सेवन चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशंस क्लास ट्वेल्थ के अंदर, उसके इनडिफाइन इंटीग्रल का जो पोर्शन है हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशंस को हमारे सिलेबस के अंदर दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक इनडिफाइन इंटीग्रल, दूसरा डिफाइन इंटीग्रल। इनडिफाइन इंटीग्रल में क्या चीज़ है, आपके पास आपने हमें 7.6 तक कर चुके हैं, आपको इंटीग्रेशन पर कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं मिली। डिफाइन इंटीग्रल पर क्या होगा, आपको यहाँ बस लिमिट मिलेंगी 2 to 3 या कहें a to b, इस प्रकार से हमें लिमिट मिलेंगी, वो हमारा डिफाइन इंटीग्रल का पोर्शन हो जाएगा। आज हम इन डिफाइन इंटीग्रल की हमारी सबसे लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.7 ही करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि हम किस तरीके से इंटीग्रेशंस करेंगे। अभी तक हमने हमारे पास सारे मेथड हम सीख चुके हैं, यहाँ हम कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे, तीन, ठीक है, तीन तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 7.4 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, 7.4 में हमने इनका पढ़ा है। लेकिन वहाँ क्या था, आपके पास जो इक्वेशंस थी वो अपॉन में थी, बटा में दी गई थी आपको नीचे डिनोमिनेटर के रूप में, यहाँ आपके पास है अगर ऊपर ही इक्वेशन बन जाए आपके पास, जो परफेक्ट क्वाड्रेटिक्स वाले आपने रूल अप्लाई किए थे उनके अकॉर्डिंग। पहला फार्मूला आपका, अगर अंडरूट के अंदर x² माइनस a² हो, जनरल हमारे पास ये क्या था, ठीक है, अगर ये अपॉन में था तो उस जगह पर हमारे पास क्या था, ये log x प्लस अंडरूट x² माइनस a² प्लस c, अगर ये अपॉन में होता तो हमारा ये फार्मूला था, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली यही फार्मूला बनेगा, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा, ये आपके पास x/2 अंडरूट x² माइनस a², ठीक है, माइनस a² / 2, ठीक है, ये चीज़ साथ में और आ जाएगी इसके। अगर यही चीज़ हमारे पास प्लस के अंदर असाइन था, ठीक है, मीन्स x² प्लस a² का इंटीग्रेशन अपॉन में था, तो आपने क्या किया वहाँ पर, log x प्लस अंडरूट x² प्लस a² परफेक्ट स्क्वेयर के अकॉर्डिंग बनाकर आपने ये किया, ठीक है, ये आपके पास आंसर बना। यहाँ क्या होगा, इसी तरह की फॉर्म के अंदर x/2 कह लें या 1/2x कह लें, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं इसी बात को, x² प्लस a², ठीक है, माइनस का सिंबल था तो बीच में माइनस का निशान है, प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का निशान बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और साथ में यहाँ पर a² / 2 है तो a² / 2 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपके पास, अगर a² माइनस x² अंडरूट के अंदर हो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमने वहाँ पढ़ा है हमारे पास क्या था, ये साइन इनवर्स x/a + c था, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वही आगे आपका सेम पोर्शन 1/x अंडरूट a² माइनस x², ये चीज़ सेम आपके पास रहेगी, ठीक है, और प्लस इस साइन इनवर्स के साथ आपके पास a² / 2, ठीक है। आप क्योंकि ऑलरेडी इन तीनों फार्मूलों को पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं फार्मूलों से रिलेशन बनाते हुए मैंने आपको ये नए तीन फार्मूले करवाए हैं, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन करना आपकी बुक में दिया गया है, अब वहाँ से इनके जो इंटीग्रेशन किस प्रकार से किए जाते हैं उनको करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इनका सॉल्यूशंस नहीं है कि हम किस तरीके से हमें इनको इंटीग्रेट करना है, कैसे नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन करने का आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि क्या किया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास अंडरूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मानने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, हम सब चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, तो बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। ये हमारे लिए हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और साथ में वन लेंगे वो हमारे लिए हमारा सेकेंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, लास्ट के अंदर। अब देखिए इसी पर डिपेंडेंट हमारे पास जैसे एक्सरसाइज 7.7 का, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या दिया गया, 4 - x², 4 मतलब क्या हो गया आपके पास 2² - x² हो गया, ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो a² - x² आपके पास ये थर्ड फार्मूला हो गया, तो क्या कहता है ये फार्मूला, 1/2x, ठीक है, a² - x² मतलब 4 - x² प्लस a² 2 का स्क्वायर कितना है, 4/2 साइन इनवर्स x/2 + c, ये आपके पास कट जाएगा 2 पे, तो 1/2x अंडर 4 - x² + 2 साइन इनवर्स x/2 + c, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। आगे देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहे हैं, बिल्कुल सेम नीटो यही मैटर हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में देखें आपको दिया गया अंडरूट के अंदर है 1 - 4x²
तो वन ये क्या हो गया, टू एक्स की होल स्क्वेयर हो गया, इसका इंटीग्रेशन करने। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास, ठीक है, यहाँ ख्याल रखें आपके पास क्या है, अकेला एक्स था, ये जो एक्स है वो अकेले एक्स से मतलब है, यहाँ वन बाय टू एक्स, और इस एक्स के साथ यहाँ पर कोफिशेंट्स क्या है हमारे पास, ठीक है, ये कोफिशेंट्स देखेंगे हम क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स का कोफिशेंट बाय टू है, ठीक है, तो बाय टू भी हमें साथ में लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है, उस चीज़ को हम लगाएंगे यहाँ पर, प्लस सॉरी क्या कहते हैं इसको, यहाँ टू एक्स भी हमारे पास एक्स था, अकेला एक्स आएगा, यहाँ टू एक्स है तो टू एक्स भी लिखना होगा, और एक्स का साथ कोफिशेंट टू था इसलिए पोन में टू लिख दिया, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर, ए कितना है वन, ए स्क्वेयर कितना है वन ही है, ठीक है, तो वन बाई टू ये चीज़ आ जाएगी, साइन इनवर्स आपके पास टू एक्स बाई वन प्लस सी, एक्स का कोफिशेंट टू है तो ये अपॉन में टू भी लगाएंगे आप यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, एक टू से टू आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मीन्स आपके पास आंसर क्या बचा, अगर आप देखेंगे तो वन बाई टू एक्स अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए आगे हम क्वेश्चन थर्ड से करेंगे, उसमें क्या चीज़ है, सिर्फ आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बना हुआ, ठीक है, इसमें पहले दो क्वेश्चन में आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर की ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ऐसी कोई ना कोई फॉर्म बन गई, ठीक है, बाकी क्वेश्चनों में ये फॉर्म नहीं बनी हुई, आपको बनानी है परफेक्ट स्क्वेयर का फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखें, आपको दिया गया एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स, ठीक है, प्लस सिक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये देखें एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस टू हो गया, क्योंकि ये ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस वी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक्स प्लस टू की होल स्क्वेयर प्लस टू तो अंडर टू की होल स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ कर ली हमने, अब इसका हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि क्या बनेगा हमारे पास। फार्मूला क्या कहते हैं, जो भी आपके पास एक्स है वो एक्स एक्स प्लस टू है यहाँ पर बाय टू, ठीक है, और साथ में अंडरूट के अंदर आप क्या लिखेंगे, इसी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को, तो वापस यही बनेगा आपका, सीधा डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और स्टेप दो बढ़ाना चाहें तो इसको थोड़ा सा, चाहे पहले आप इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में, फिर वापस इसको अगले स्टेप के अंदर इसके अंदर कर लें, ठीक है, प्लस का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आएगा आपके पास, क्या चीज़ है, ए स्क्वेयर मीन्स टू बाई टू लॉग, ठीक है, एक्स के आपके पास एक्स प्लस टू है प्लस अंडरूट के अंदर क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगी हमारी, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस सी, यहाँ टू से टू आपका कट जाएगा, ठीक है, अगले स्टेप में आप इसी चीज़ को दोबारा लिख देंगे, आपके पास आपका आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर चार, उसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या दे रहा है आपको, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर आप काफ़ी डिटेल के अंदर 7.4 के अंदर कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आपके साथ, जनरल चल रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए भी हो गया, तो यहाँ से आपको बी क्लियर हो जाएगा, टू है तो टू का स्क्वेयर फोर चाहिए आपको, लेकिन आपके पास तो है तो वन, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये माइनस थ्री, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस टू की होल स्क्वेयर माइनस अंडर थ्री की होल स्क्वेयर, ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या लग गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फार्मूला लग गया, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के फार्मूले के लिए हमारे पास क्या रहेगा, सेम टेक्निक, एक्स जो भी आपका है बाई टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वो वापस आपके पास यही बनेगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस वन, माइनस का फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू लॉग एक्स आपके पास एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वापस सॉल्व करके यही बनेगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस वन का मॉडुलस प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच, नेक्स्ट इसमें क्या दे रहा हमें, अंडर रूट के अंदर वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, सेम चीज़ हमारे पास,
माइनस कॉमन निकाला क्योंकि एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ, प्लस 4 चाहिए क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा तभी, और यहाँ पर ओवरऑल कितना 1 है, मैंने 4 तो माइनस के हो गए तो ये क्या बनेगा, 5 बनेगा आपके पास। डैट मीन्स ये क्या चीज़ बन गई हमारे पास, अगर देखें अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 5 की स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 की होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। मीन्स फार्मूले के मुताबिक एक्स प्लस 2 जो भी हमारा एक्स है बाय 2, अंडर रूट के अंदर यही चीज़ आ जाएगी सॉल्व करके ऑलरेडी 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कितना अंडर रूट 5 की स्क्वेयर है ना, तो 5 हो गया, ए स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, साइन इनवर्स, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का बन गया ना, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, एक्स प्लस अपॉन ए, ए आपके पास क्या अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही आपके पास, ठीक है। यहाँ प्लस 5 की जगह अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही आपको लिख कर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, यहाँ माइनस 5 दिया गया, माइनस 5 दिया गया, तो आपको प्लस 4 करना होगा, प्लस 4 के करने क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 माइनस 9 हो गया, ठीक है। मीन्स एक्स प्लस 2 की होल स्क्वेयर माइनस 9, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसका इंडिकेशंस किया आपने, आपके पास ए बाय 2, ठीक है, एक्स बाय 2 हो गया, बाय 2 आ जाएगा, एक्स अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आएगा, तो आपके पास सॉल्व करके यही चीज़ बन जाएगी, माइनस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कितना है 9 है, 9 बाई 2 लॉग एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस आपके पास यही रखेंगे इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा आपके पास। डैट मीन्स यहाँ प्लस 6 की जगह क्या बन गया, माइनस 5 बन गया आपके पास, ठीक है। सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक, कोई फ़र्क नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करवा रहा है आपसे, क्या दे रहा है हमें, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर दे दिया गया हमें, तो अंडर रूट के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे, माइनस 3x, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देखिए आपके पास क्या बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab, तो v आपके पास 3 बाय 2 बन रहा है, तो 3 बाय 2 की स्क्वेयर 9 बाय 4, तो पर ये तो आपके पास माइनस का एक प्रकार का, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 9 बाई 4 अंडर 13 बाई 2 बन जाएगा उसका होल स्क्वेयर, माइनस एक्स माइनस 3 बाई 2 की होल स्क्वेयर बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या लिखेंगे आप, ए एक्स माइनस 3 बाई 2 बाई 2, ठीक है, ये बन गया आपके पास। अंडर रूट के अंदर आप इसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है, इसी को लिख देते हैं हम अंडर 13 बाई 2 की होल स्क्वेयर, अगले स्टेप के अंदर कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि डायरेक्टली लिखना होगा हमें, ठीक है, हम अगले स्टेप के अंदर करेंगे। और प्लस माइनस का फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, तो साइन इनवर्स में बनेगा, ठीक है, प्लस हमारे पास ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर क्या है, अंडर 13 बाई 2 की होल स्क्वेयर, मतलब आपके पास 13 बाई 4 और 2 अपॉन में है ही, साइन इनवर्स ए एक्स माइनस 3 बाई 2 अपॉन ए प्लस सी। आप यहाँ से दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2x माइनस 3 बाई 2 इंटू बाई 2 4 बन जाएगा आपके पास, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर इस पूरी रकम को सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा आपके पास, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 13 बाई 8 आएगा साइन इनवर्स। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में अंडर रूट 13 प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अगर हमें क्या दिया गया अंडर रूट के अंदर, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x दिया गया,
यहाँ आपके पास बिल्कुल सेम सेवन्थ क्वेश्चन की ही तरह स्टेटमेंट होगी, 3x है, वहाँ सिर्फ हमने क्योंकि आगे आपके पास माइनस का निशान था एक्स स्क्वेयर के साथ, तो हमने माइनस कॉमन निकाला था, यहाँ ये पॉजिटिव ही है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ए स्क्वेयर प्लस 2ab, तो वी स्क्वेयर आपके पास क्या बन जाएगा, 9/4, मीन्स 3/2 चाहिए भी आपको, तो 9/4 जोड़ा गया, 9/4 घटाया गया, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास, ये एक्स प्लस 3/2 की होल स्क्वेयर बन गया और माइनस 3/2 की होल स्क्वेयर, मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के फार्मूले के मुताबिक देखें, फार्मूला क्या कहता है, एक्स बाय टू, ठीक है, और अंडरूट के अंदर आपके पास यही चीज़ लिखेंगे आप, एक्स प्लस 3/2 की होल स्क्वेयर माइनस 3/2 की होल स्क्वेयर, आप इसको डायरेक्ट चाहिए भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है तो माइनस आएगा बीच में आपके पास, ठीक है, और फार्मूला क्या है, ए स्क्वेयर बाय टू लॉग ए जो भी आपको दिया गया, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मॉडुलस प्लस सी। यहाँ आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाता है, 2x प्लस 3/2 बन जाएगा, और अंडरूट के अंदर इस चीज़ को सॉल्व करके आपके पास वापस यही बन है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने बनाई ही इसी से है, तो इसको वापस जब सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगी हमारे पास क्वाड इक्वेशंस, माइनस 9/8 लॉग एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडरूट के अंदर वापस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है आपको, अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 दे रहा है, ठीक है, कंटिन्यूएशंस। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो इसको x बाय 3 की होल स्क्वायर कर लें तो 1/3 आपका साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो दूसरा आपके पास बनता है आप इसको एलसीएम ले लें, आप 9 मतलब कॉमन निकाल लें अंडरूट का बाहर, तो क्या बन गया ये 9 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, मीन्स आपने इनका एलसीएम ले लिया, सॉरी dx, तो ये 1/3 अंडरूट के अंदर 3 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कहें या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बात एक ही है हमारे पास, 1/3 आपका बाहर साथ रहेगा, एक्स बाय टू, ठीक है, और आपके पास जो भी फंक्शंस है वो सारा लिखेंगे आप, 9 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या है हमारे पास, ठीक है, 3 है, ए 3 है तो 3 ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 9/2 लॉग एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, एक्स बाय 6, और ये क्या बन गया हमारे पास, 9 प्लस एक्स स्क्वेयर लिखें या एक्स स्क्वेयर प्लस 9 लिखें एक ही बात है, 1/3 को 9/2 से करेंगे तो 3 से 9 कट कर आपके पास ऊपर क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर 3 रह जाएगा, दैट मीन्स 3/2 लॉग एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था आपके पास, अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिखते, ठीक है, तो वैसे आपके पास यहाँ फॉर्म अलग बन जाती, आपका जो आंसर है वो एक डिफरेंट मैच फॉर्म के अंदर बन जाता, उनके अंदर आप या तो लघुत्तम लें लास्ट में आंसर की मैचिंग के लिए, अगर आपने इनका एलसीएम ले लिया तो आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आपको चाहिए उसी फॉर्म के अंदर आपके पास रकम बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास, जैसे हर एक्सरसाइज के अंदर दो लास्ट क्वेश्चन हमें ऑप्शन के साथ दिए गए हैं, तो यहाँ भी दो क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन के साथ दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखेंगे क्या बनेगा आपके पास। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सरसाइज 7.7 का 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये तो फार्मूला ही हो गया आपका डायरेक्ट, एक तरह का आपको फार्मूला ही याद होना चाहिए, ठीक है, एक्स बाय टू अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस का फार्मूला तो प्लस ए स्क्वेयर कितना है आपके पास 1 है, 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन मैच करेंगे कि कौन से मिल रहा है हमारे पास
ये आपके पास ए ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो डैट मीन्स इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, इसमें क्या दिया गया आपको, अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन दिया गया। तो आप इसको सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, आपको ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स हो गया टू तो बी क्या बनेगा, फोर बनेगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, आपके पास सेवन है तो माइनस नाइन कर दें। डैट मीन्स अंडरूट के अंदर एक्स माइनस फोर की होल स्क्वायर माइनस थ्री की होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए आपके पास क्या है, एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर बाई टू, अंडरूट के अंदर ये रहा सारा लिखेंगे वापस, वो सॉल्व करके यही बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, अगर चार ऑप्शनों को देखेंगे इतना पोर्शन, तो आपके पास ये पहला तीसरा और चौथा में यही सेम बन रहा है, तो दूसरा तो कैंसिल हो गया आपका, वो प्लस में बना रहा है वो उस फार्मूले को, ठीक है। माइनस का तो माइनस बनेगा, तो आपका पहला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है। मतलब ए और बी कैंसिल हो चुके हैं, अब रहे बचे हमारे पास, उसके बाद बी स्क्वायर, वी कितना, थ्री, नाइन बाई टू, नाइन बाई टू आपके पास डी के अंदर बन रहे बच रहे हैं, तो डैट मीन्स डी ही आपका आंसर होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए बना था, तो इसका डी बनेगा, लॉग एक्स, एक्स क्या, एक्स माइनस फोर प्लस अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वापस सॉल्व करके यही आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन का मॉडुलस प्लस सी। डैट मीन्स ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आपके, ऑप्शन डी से, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा जो इनडिफाइन इंटीग्रल का पोर्शन है, ठीक है, वो आज इस क्वेश्चंस के साथ, इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाता है। आपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस की मुझे एग्जांपल्स की या कोई किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम बताई, तो मैंने वो आपको सॉल्व करके भेज दिया है। फिर भी आप अगर किसी एडिशनल बुक से मैथ की तैयारी कर रहे हो, आर डी शर्मा से, एलिमेंट के मैथ से, मॉडर्न से, ठीक है, ए बी सी से, यूनिवर्सल से, आप जिस भी मैथ से मैथ कर रहे हो और आपकी इंटीग्रेशंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द इंटीग्रेशन, ठीक है, देन यू सेंड मी मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, इन द अगेन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।